डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 31 दिसंबर 2019 और ये जो हमारा एपिसोड नंबर है, एपिसोड नंबर है 521। हमारे चैनल्स हैं पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस। अगर अभी तक आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ हमारी जो वेबसाइट्स हैं, ssccglpinnacle.com और baljeetdhaka.com, उन्हें भी आप विजिट जरूर करें। करंट अफेयर्स का ये जो वीडियो है, मैं रोज सुबह 4 बजे आपके लिए हमारे चैनल्स पर अपलोड करती हूँ। अब आपसे प्रीवियस क्विज के दोनों क्वेश्चंस पूछ रही हूँ और उनके उत्तर भी बता रही हूँ। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसने अपना 135वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो मनाया 28 दिसंबर को। दूसरा प्रश्न देखिए यहां पर, बेलम गुफा जो है, बेलम गुफा महोत्सव की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो यहां पर उत्तर जो है हमारा वो है आंध्र प्रदेश। ये प्रीवियस क्विज के दोनों प्रश्न। और अब हम आ जाते हैं आज के पहले प्रश्न पर। 2019 महिला विश्व रैपिड चैंपियन कौन बने हैं? ये प्रश्न है आपके सामने और इसका उत्तर होगा कोनेरू हम्पी। भारत की कोनेरू हम्पी 2019 की महिला विश्व रैपिड चैंपियन बनी है। मैं आपको इनकी तस्वीर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इनकी तस्वीर है। भारतीय ग्रैंड मास्टर है कोनेरू हम्पी। इन्होंने महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2019 जो है वो जीता है। इन्होंने मॉस्को रूस में चीन की जो खिलाड़ी हैं, जिनका नाम था लेई तिंगजी, उनको हराया। तिंगजी ने रजत और तुर्की की एकातेरीना, उन्होंने कांस्य पदक जीता है। यह हम्पी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीत है, जो भारत की सबसे अच्छी महिला शतरंज खिलाड़ी है। तो ये जानकारी है पहले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न देखिए, एक महिला द्वारा सबसे लंबी एकल अंतरिक्ष उड़ान का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ये हमारा प्रश्न है और इसके लिए उत्तर जो है हमारा बी है, क्रिस्टीना कोच। ये हमारा आंसर है। आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर बी है। नासा के अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच ने अंतरिक्ष में 288 288 दिनों के पिछले रिकॉर्ड को पार करते हुए एक महिला द्वारा सबसे लंबे समय तक एकल अंतरिक्ष उड़ान का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। जब वह फरवरी 2020 में पृथ्वी पर वापस आएंगी, तब उन्होंने अंतरिक्ष में 300 से अधिक दिन जो है वो बिता लिए होंगे। वह 14 मार्च को, 14 मार्च 2019 को अंतरिक्ष, वो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में ही है वो तब से। ओके, तो ये थी जानकारी दूसरे प्रश्न के बारे में। चलते हैं आगे और उससे पहले मैं आपको क्रिस्टीना कोच की तस्वीर दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये उनकी तस्वीर है। केरल सरकार द्वारा दिया गया 2019 हरी वरासनम पुरस्कार ये किसने जीता है? ये प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। और इस प्रश्न के लिए हमारा उत्तर क्या होगा? इसके लिए उत्तर जो है हमारा इलिए राजा। ये हमारा उत्तर है, आंसर जो है यहाँ पर सी होगा। संगीतकार इलिए राजा को 2019 के लिए केरल राज्य सरकार द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित हरी वरासनम पुरस्कार के लिए चुना गया है। हर साल सबरीमाला में मकर विलुक्कू उत्सव से पहले ये जो पुरस्कार है, इसकी घोषणा की जाती है। और पुरस्कार जो है उसमें 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। प्रशस्ति पत्र और पट्टिका भी जो है वो दिए जाते हैं। और पुरस्कार कैसे लोगों को दिया जाता है? यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने संगीत के माध्यम से धर्म निरपेक्षता और सार्वभौमिक भाईचारे की भावना का प्रचार किया। क्वेश्चन नंबर 3, हमारा आंसर यहाँ पर क्या है? सी। और अब मैं आपको इलिए राजा की तस्वीर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इनकी तस्वीर है। ओके, एक और रिवीजन क्वेश्चन यहां करा रही हूं। आप मुझे उस भारतीय अभिनेता का नाम बताएं जिनको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा सम्मानित किया गया है। ये बॉलीवुड के अभिनेता हैं और हाल ही के वीडियोस में मैंने आपको इनके बारे में बताया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर इनका नाम बताइए। आ जाइए अगले प्रश्न पर। किस देश ने अपना सबसे बड़ा मालवाहक रॉकेट लॉन्ग मार्च 5 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? क्वेश्चन नंबर 4 है ये और आंसर यहां पर हमारा होगा चीन। सी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सी राइट आंसर है।
चीन ने देश के नए एवं सबसे बड़े रॉकेट लॉन्ग मार्च 5 के जरिए अपने सबसे भारी और सर्वाधिक जो अत्याधुनिक संचार उपग्रह है उसका प्रक्षेपण किया। यह मिशन अंतरिक्ष में अत्यधिक संवेदनशील अभियानों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। यह सफल प्रक्षेपण 2020 में मंगल ग्रह के लिए चीन की योजना की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आंसर हमारा चाइना है। और यहां पर मैं आपको तस्वीर दिखा देती हूँ, ये देखिए ये तस्वीर भी है, साथ ही साथ एक रिवीजन क्वेश्चन भी यहां करा रही हूं कि सूडान का जो पहला उपग्रह है उसको चीन द्वारा ही लॉन्च किया गया है। और चीन जो है हमारा पड़ोसी देश है, यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं ये भारत है, हम अच्छा खासा बॉर्डर शेयर करते हैं चाइना के साथ। द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, कैपिटल बीजिंग है, यहाँ पर सबसे बड़ा शहर शंघाई है, करेंसी रेनमिनबी, जो पार्टी जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट है चाइना में वो है जी जिनपिंग। आ जाइए अगले प्रश्न पर। डायमंड इन माई पाम ये एक पुस्तक का नाम है। डायमंड इन माई पाम नामक पुस्तक जो है ये किसने लिखी है, ये हमारा पांचवा प्रश्न है। और उत्तर होगा यहाँ पर संजय धारवाड़कर। आंसर जो है यहाँ पर सी होगा, सी इज द राइट आंसर। संजय धारवाड़कर ने डायमंड इन माई पाम नामक पुस्तक लिखी है जिसमें बताया गया है कि आंध्र प्रदेश के गोलकोंडा और कोल्लूर की खानों में दुनिया के 12 सबसे बड़े हीरे कैसे उत्पन्न हुए। तभी तो इसका नाम है ना डायमंड इन माई पाम। उपन्यास में भारत के अनोखे आध्यात्मिक अतीत के बारे में भी बताया गया है। और ये जो पुस्तक है इसमें सूचीबद्ध महत्वपूर्ण हीरे जो हैं उनके बारे में काफी सारी जानकारी है। क्वेश्चन नंबर 5, और यहां पर आप संजय की तस्वीर देख सकते हैं, साथ ही यहां पर पुस्तक का जो कवर है वो भी आपको नजर आ रहा है। हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे उम्रदराज जो गैंडा है जिसका नाम था फॉस्टो उसका निधन हो गया है, छठा प्रश्न। और उत्तर होगा यहां पर तंजानिया, आंसर यहां पर डी है। दुनिया के सबसे उम्रदराज ब्लैक राइनो फास्टा का तंजानिया में निधन हो गया है। अब हम कह रहे हैं कि ये सबसे उम्रदराज था तो कितने साल का था, ये जो है 57 ईयर्स, ओके 57 साल। दुनिया की सबसे उम्रदराज काली मादा गैंडा जिनकी उम्र 57 ईयर्स थी, ये देखिए यहां पर आप देख सकते हैं इनका हाल ही में निधन हो गया। ये जो गैंडा है इसमें किसी भी गैंडे से अधिक समय तक जीवित रहने का ये रिकॉर्ड बनाया। और 2016 में अपने जीवन के अंतिम 3 वर्षों के लिए अभयारण्य में रखे जाने से पहले 54 साल से अधिक समय तक ये गारो नगारो में रही। ये जानकारी इस प्रश्न के बारे में। अब हमने बात की तंजानिया की, ये देखिए यहां पर तंजानिया अफ्रीका का एक कंट्री है तंजानिया, ये जो आपको नजर आ रहा है। कैपिटल यहां पर देखिए कैपिटल है डोडोमा, और करेंसी जो है यहां पर वो है तंजानियन शिलिंग। अगला प्रश्न, कौन सा देश अप्रैल 2020 में इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक की मेजबानी करेगा, सातवां प्रश्न। उत्तर है पाकिस्तान, हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान वो मेजबानी करेगा। इस्लामाबाद अप्रैल में, अप्रैल में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कोऑपरेशन की बैठक की मेजबानी करेगा। हालांकि पहले सऊदी अरब जो है उसको मेजबानी करना तय किया गया था। ओआईसी ने जम्मू और कश्मीर में घोर मानवाधिकारों की स्थिति और भारत में मुस्लिम विरोधी कानून को लागू करने के लिए एक बैठक बुलाने का फैसला किया है, और उसकी ये जो बैठक है पाकिस्तान में होगी। इस बैठक में सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, तुर्की, इंडोनेशिया और कई अन्य मुस्लिम देश जो हैं वो शामिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, आगे चलते हैं और मैप में पाकिस्तान देख लेते हैं। ये जो कंट्री है पाकिस्तान है, भारत के वेस्ट में देखिए अच्छा खासा बॉर्डर शेयर करते हैं हम, ये पाकिस्तान है। कैपिटल यहाँ इस्लामाबाद है और करेंसी है यहाँ पर पाकिस्तानी रूपी। एक रिवीजन क्वेश्चन भी करा रही हूं, हज यात्रियों के लिए पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने वाला पहला देश जो है वो है भारत। अगला प्रश्न, रक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए नियम संशोधन में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अधिकतम कितने वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकेंगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। और इसके लिए उत्तर जो है हमारा वो है 65 वर्ष। आंसर यहां पर क्या है, आंसर जो है हमारा यहां पर सी है, 65 वर्ष।
किसी सेना प्रमुख को सीडीएस बनाए जाने पर आयु सीमा का नियम आड़े न आए, इसलिए रक्षा मंत्रालय ने सर्विसेज के नियमों में सुधार किया है। जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। ये जानकारी प्रश्न 8 के बारे में। किस मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की जयंती उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया है? ओके, अरुण जेटली जो है उनकी जयंती पर उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो ये जो अनावरण है इसको किया है नीतीश कुमार ने। आंसर यहां पर हमारा जो है सी होगा, 9 के लिए सी हमारा जो है वो राइट आंसर है। मैं आपको तस्वीर दिखाती हूं, ये देखिए यहां पर नीतीश कुमार जो है उन्होंने जिस प्रतिमा का अनावरण किया वो भी आपको नजर आ रही है। बिहार के चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार और उन्होंने दिवंगत अरुण जेटली की जयंती के मौके पर पटना में उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया है। राज्य सरकार ने जेटली की जयंती को एक राज्य समारोह के रूप में मनाया। और मैं आपको याद दिला दूं कि दिल्ली का जो फिरोज शाह कोटला ग्राउंड है उसका नाम भी बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो हैं वो कौन बने हैं? ये आपके सामने प्रश्न है और आंसर यहां पर होगा अजीत पवार। आंसर यहां पर क्या है? आंसर क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर हमारा बी होगा। महाराष्ट्र ने उद्धव ठाकरे मंत्रिमंडल के पहले विस्तार में एनसीपी के जो वरिष्ठ नेता हैं अजीत पवार, उनको उप मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली है। ये जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है इसमें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे समेत शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के 36 नए विधायक अब मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। और कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जो है अशोक चौहान ने ली कैबिनेट मंत्री पद की शपथ। तो ये थी जानकारी इस प्रश्न के बारे में। अब क्योंकि हमने यहाँ महाराष्ट्र की बात की है, अजीत पवार की बात की है, पहले तो आप अजीत पवार की तस्वीर देखिए और अब हम मैप में महाराष्ट्र देखते हैं। ये रहा महाराष्ट्र, कैपिटल यहाँ क्या है? मुंबई। गवर्नर यहाँ पर है भगत सिंह कोश्यारी और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे। संजय गांधी नेशनल पार्क, गोगामल नेशनल पार्क, टडोबा नेशनल पार्क जो है वो महाराष्ट्र में लोकेटेड है। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में अजंता इलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं और विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको एंसेम्बल्स जो मुंबई में आते हैं वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में यहाँ आते हैं। अब हम आ गए हैं समरी कीवर्ड्स पर। समरी कीवर्ड्स में 2019 की विमेन्स वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप जो है वो कोनेरो हम्पी ने जीती। लॉन्गेस्ट सिंगल स्पेस फ्लाइट एक महिला द्वारा उसका रिकॉर्ड बनाया क्रिस्टीना कोच ने। 2019 का हरी वरासनम पुरस्कार जो है वो इलियाए राजा को दिया गया। जो लार्जेस्ट करियर रॉकेट है उसको लॉन्ग मार्च 5 उसे लॉन्च किया चाइना ने। पुस्तक जिसका नाम है डायमंड इन माय पाम इसके लेखक है संजय धारवाड़कर। उसके बाद फॉस्टा जो है सबसे उम्र दराज राइनोसरस थी, इसकी मृत्यु हो गई और ये तंजानिया में इनकी मृत्यु हुई। ओआईसी मीट जो अप्रैल 2020 में होगी उसकी मेजबानी करेगा पाकिस्तान। डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उसकी रिटायरमेंट की एज 65 वर्ष की। लाइफ साइज स्टैचू यानी कि आदमकद का एक ही एक प्रतिमा अरुण जेटली जी की, उसका अनावरण किया है नीतीश कुमार ने पटना में। और महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने अजीत पवार। ये थे हमारे समरी कीवर्ड्स और अब आ जाते हैं क्विज फॉर द डे पर। डायमंड इन माय पाम, आप बताइए कि इस पुस्तक के लेखक कौन है और 2019 का महिला विश्व रैपिड चैंपियन ये कौन बनी है? ठीक है, ये दो प्रश्न हैं जो मैं आपसे पूछ रही हूं। और अगला प्रश्न ये है आपके लिए कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसने हाल ही में अपना स्थापना दिवस मनाया। आप मुझे बताइए कि जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जो कांग्रेस पार्टी है, उसकी स्थापना को कितने वर्ष हो चुके हैं? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। तो इसी के साथ ये वीडियो प्रेजेंटेशन जो है ये खत्म होती है। सभी प्रश्नों के उत्तर जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक बटन पर क्लिक कीजिए, साथ ही साथ जितना संभव हो सके वीडियो को आप शेयर भी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी आप ना भूलें। रोज सुबह करंट अफेयर्स का ये वीडियो देखना ना भूलें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।